हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राजस्थान एकेडमी। मैं परवेंद सिंह राव आप सभी लोगों के साथ में रीड लेवल टू की मैथ्स जो है उसके ऊपर आज औसत टॉपिक में लेकर आया हूं, क्योंकि उससे पहले जो है मैं बाकी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, रीड लेवल टू मैथ्स के नाम से है तो आपको वहां मिल जाएगी। उसके अलावा दोस्तों, आप लोग सभी जानते हैं, आप सभी लोगों के लिए रीट की जो है बैठक कल हो चुकी है। रीट के एग्जाम कब आयोजित होना है उसके बारे में कल मंथन हो चुका है, और RAS एग्जाम के लिए भी, तो उतनी दोनों के लिए हमने क्लासेस स्टार्ट कर दी है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है औसत। अब औसत नाम सुनते ही आप लोगों ने सुन रखा होगा एवरेज के नाम से, जिसे इंग्लिश में एवरेज कहा जाता है। देखिए, अब हम सबसे पहले लिखते हैं कि औसत होता क्या है। औसत एक तरह से दोस्तों जो ग्रुप होता है कोई, उस ग्रुप के प्रत्येक के मार्क्स आप अगर नहीं काउंट कर पाते हैं, बहुत ज्यादा है तो आप दो चार है तो गिन लेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा है और प्रत्येक के मार्क्स आप नहीं गिन पाते हैं, तो आप क्या करते हैं, उन प्रत्येक के मार्क्स का टोटल निकाल लेने के बाद में उसमें टोटल स्टूडेंट का भाग देते हैं तो निकलता है औसत, यानी आपको पता चलता है, या फिर आप क्लास में पूछ सकते हैं कि आपका औसत क्या रहा। तो आप लोग आप औसत के हिसाब से समझ सकते हैं कि कोई तो औसत से दो चार नंबर ऊपर होगा, कोई औसत से नीचे होगा, मतलब इस नंबर यानी किसी संख्या किसी क्लास का औसत अगर 30 है तो आप ये मानेंगे कि इनके जो मार्क्स है वो 30 के अप्रोक्स घूम रहे हैं। इस प्रकार से यही होता है औसत। लेकिन क्या हमारे ये कॉन्सेप्ट काम आएगा, ये क्या हमारे को ये थ्योरी काम आएगी? नहीं, हमारे को इनके क्वेश्चन करना आना चाहिए। उन क्वेश्चन के लिए मैं अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस की ट्रिक लेकर आया हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो औसत का बेसिक फॉर्मूला है वह लिख लेते हैं। औसत को इंग्लिश में एवरेज कहते हैं, और आप लिख सकते हैं संख्याओं का योग। जो बेसिक फॉर्मूला है यह लिख लीजिए आप, संख्याओं का योग बटे संख्या ए। ठीक है, संख्याओं का योग मतलब सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए और उसमें जो है जितनी भी वो संख्याएं हैं उनका भाग दीजिए, आपके सामने क्या आ जाएगा, योग, मतलब जो है औसत निकल करके। तो योग को कहते हैं टोटल, तो आप लिख सकते हैं टी, और संख्या को आप लिख सकते हैं नंबर एन, और औसत को लिख सकते हैं एवरेज ए। तो आप यहां पर जो है अलग अलग तीन रिलेशन निकाल सकते हैं कि ए बराबर में होता है T upon N, N बराबर होता है T upon में A, और T बराबर होता है N into A। यह फॉर्मूला हमारे काम आएगा कई बार कि योग दे रखा हो और हमें जो है मतलब औसत और नंबर दे रखे हो और योग पूछ ले। इस प्रकार से ये जो है तीन फॉर्मूले मैंने लिखवा दिए आपको बेसिक से, और ये तीनों फॉर्मूले बेसिक से आप समझ जाइए, इनको लिख लीजिए, ये आपके बहुत काम आएंगे आगे। ये इसलिए काम आएंगे क्योंकि इसी से जो है औसत टॉपिक यानी औसत के जितने भी क्वेश्चन है सब सॉल्व होते हैं, इससे बाहर कोई नहीं होता है। बस जरूरत है तो इसे अप्लाई कैसे किया जाता है उसको सीखने की, और वो हम सिखाएंगे आपको, क्योंकि हम आपको अलग अलग प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे उसमें आप सीख लेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों बात करते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर, और क्वेश्चन के माध्यम से ही मैं जो है आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाते हुए चलूंगा। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं, सम संख्याएं क्या होती है, तो वे संख्याएं जिनमें दो का पूरा पूरा भाग जाता है उन्हें हम कहते हैं सम संख्याएं। ठीक है दोस्तों, अब सम संख्याओं का यहां पर हमारे पास देखिए औसत निकालने के लिए क्या होना चाहिए, एक तो योग पता होना चाहिए और दूसरी बात की सम संख्या है कितनी 50 तक, हमें यह पता होना चाहिए। तो अब पहले बेसिक से इस क्वेश्चन को करेंगे फिर ट्रिक के ऊपर जाते हैं। तो 50 तक में दोस्तों सम संख्याएं कितनी है उसका पता लगाने के लिए आप सीधे दो का उस संख्या में डिवाइड कर दीजिए। कोई भी संख्या दे दी जाए 300 400 500 तक, पूछ ले कि यहां तक सम संख्या कितनी होती है तो उसमें दो का भाग दे दीजिए, जो आधा यानी कि उसका आधा कर दीजिए तो उतनी ही सम संख्याएं होंगी। तो ये क्या हो जाएगी, सम संख्याएं क्या हो जाएगी, सम संख्याएं। ठीक है, 25 तो क्या आ जाएगी, सम संख्या है। अब नंबर ऑफ जो है मतलब नंबर्स तो है हमारे पास में आ चुके हैं कि नंबर ऑफ इवन नंबर्स, जो इवन नंबर्स के जो नंबर है वो कितने हैं 25, वो हमें पता चल चुका है। लेकिन अब हमें पता लगाना है कि 25 संख्याओं का योग क्या होता है। तो मैं आपको यहां पर एक बेसिक से फॉर्मूला लिखवा रहा हूं कि एन सम संख्याओं का योग क्या होता है। तो एन सम संख्याओं का योग, और n सम संख्याओं का योग होता है n इंटू एन प्लस वन। ठीक है, तो आप यहां पर क्या हो जाएगा, 25 इंटू 25 प्लस 1 26, तो यह आ गया हमारे सामने योग,
और यह आ गई हमारे सामने संख्या है, तो हमारा औसत क्या कहता है, टोटल बटे नंबर, तो टोटल कितना है 25 × 26 / 25, 25 से 25 गया, आंसर आ गया 26। लेकिन क्या हम एग्जाम में इतने बड़े तरीके से करें? नहीं, ये तो सिर्फ दोस्तों मैंने आपको जो है ट्रिक बताई है, मतलब ये तो फुल मेथड बताया है बेसिक से समझाने के लिए कि आप कैसे निकाल सकते थे। लेकिन मैं अब आप लोगों के सामने लाता हूं इसकी ट्रिक, और यहां आप लिख सकते हैं, एक सेकेंड, यहां पर मेरे हिसाब से कैमरे में मैं गायब हो जाता हूं तो दिख जाऊंगा। चलिए तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपको मैं लिखवा रहा हूं ट्रिक कि 50 तक की सभी सम संख्याओं का जो है औसत हम कैसे निकाल सकते हैं बाय ट्रिक। अब ट्रिक क्या कहती है दोस्तों हमें, ट्रिक ये कहती है कि जित सम संख्याओं का जो योग होता है, एन सम संख्याओं का योग जो होता है, या वो तो हम निकालना सीख गए हैं एन इंटू एन प्लस वन से, लेकिन आप लोगों से पूछ लिया जाए एन सम संख्याओं का औसत क्या होता है, तो वह होता है दोस्तों एन प्लस वन। तो आप लिख सकते हैं एन सम संख्याओं का, एन सम संख्याओं का औसत, और एन सम संख्याओं का जो औसत होगा दोस्तों वो एन प्लस वन होगा, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स प्लस वन कर दीजिए आपके सामने एन सम संख्याओं का जो है औसत निकल करके आ जाता है। और आप यहाँ पे भी सीख चुके होंगे कैसे, देखिए कि नंबर्स कितने थे 25, एन बराबर 25 था, 25 संख्या है, 50 तक में सम संख्या कितनी है 25 है, और 25 का औसत निकालना है, तो 25 + 1 कितना आया 26, हमारे सामने आंसर आ चुका है, और पहले भी तो हम 26 निकाल चुके थे। क्या हम यहाँ पे 26 नहीं निकाल चुके हैं आंसर में, मैंने बोला ना ये भी आंसर है। तो इसी प्रकार से हमारा आंसर कैसा हो जाएगा, सी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। ये तो था दोस्तों सम संख्याओं के औसत निकालने का तरीका। इसी प्रकार से अगर आपको विषम संख्याओं का जो आगे मैंने लिखवा रखा है क्वेश्चन उसमें बताऊंगा, लेकिन आपको ये जो है पहले मेथड से बताया है मैंने, आपको समझ में आ चुका होगा। ये रहा हमारा मेथड पूरा, और ये रही हमारी ट्रिक, ठीक है। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि क्या करना था, 50 तक की सभी संख्याओं सम संख्याओं का योग पूछ औसत पूछ रहा था, तो हम क्या करेंगे 50 तक पहले सम संख्या कितनी है, सम पूछे चाहे विषम पूछे आपको 2 का भाग देना होता है, सम संख्या निकल कर आई 25 संख्या है, 25 संख्याओं का अब योग कितना होगा, तो उसका योग निकालने की मैंने ट्रिक बताई कि एन सम संख्याएं हो तो उनका योग निकालने के लिए हम क्या करते हैं एन इंटू एन प्लस वन करते हैं, वहां से हमने योग निकाला 25 × 26, ठीक है। अब हमें पता है औसत क्या होता है, टोटल बटे नंबर्स, तो टोटल कितना आया 25 × 26 / 25, 25 से 25 कटा 26। अब आप लोगों से पूछा जाए कि डायरेक्ट निकालिए, आपको मैंने ट्रिक बताई, तो एन सम संख्याओं का जो औसत होता है वो कितना होता है एन प्लस वन, फिर विषम का बताऊंगा डायरेक्ट एन आंसर हो जाता है उसमें भी, ठीक है। तो दोस्तों ये था पहला क्वेश्चन, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम यहीं पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 300 तक की सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा, मतलब आपको सम संख्याओं का योग निकालना है, और सम संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या है एन इंटू एन प्लस वन, यानी कि एन अभी हमें पता ना चलना चाहिए हमें, और एन होता क्या है, तो मैं दोस्तों यहां पर लिख रहा हूं, देख लीजिए आप एन कितना होता है, 300 है सम संख्या, 300 तक बोला है, तो 300 का आधा जो होगा वही हमारा एन होगा, कितना आया 150, तो 150 आ गया है एन। और आप लोगों से पूछा जा रहा है कि उन सभी सम संख्याओं का योग निकालिए, तो हम क्या करेंगे कि 150 × 151, 150 × 151 करेंगे, तो दोस्तों हमारे पास में क्या आ जाएगा, देख लीजिए आप कि 150 × आप इसे 151 को क्या लिख सकते हैं 150 + 1, और ये हो जाएगा 225 + 150, और ये जब जोड़ेंगे तो 22,650 उत्तर आ जाएगा। तो हमारे सामने आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, बी, इसका क्या था सी। तो इस प्रकार से ये 2 क्वेश्चन थे जो इसी एक ही बार में हमने कंप्लीट करे हैं। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ भी चुका होगा कि क्या क्या करना था। हम चलते हैं दोस्तों थर्ड क्वेश्चन की और थर्ड क्वेश्चन कह रहा है 100 तक की विषम संख्याओं का औसत निकालिए। अब मैं आपको सिखाता हूं विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, देखिए क्या बोला गया है, मैं यहां पर सबसे पहले वाइट ले लेता हूं पेन ताकि आपको समझ आए। देखिए 100 तक की विषम संख्याओं का औसत, 100 तक में विषम संख्या कितनी है
50, क्योंकि मैंने बोल रखा है सब पूछे चाहे विषम पूछे आपको दो का भाग देना है, जितना आएगा वही क्या हो जाएगी विषम, वही हो जाएगी सम संख्या या विषम संख्या जो भी वो बोल रहा है। तो हमें बोला गया है विषम संख्या, तो हमने क्या मान लिया 50 विषम संख्या आ गई। अब विषम संख्याओं का जो योग निकालने का फॉर्मूला है, सम संख्याओं के योग निकालने का फॉर्मूला है एन इंटू एन प्लस वन, विषम संख्याओं के योग निकालने का तरीका होता है दोस्तों वह होता है एन स्क्वायर यानी कि 50 का स्क्वायर, और 50 का स्क्वायर यानी कि 50 × 50, और 50 × 50 यानी 00 आएगा और 25 आएगा यानी कि 2500 होता है, ये आप लोग जानते हैं। ये तो मैंने करा अभी तक इनका योग और ये विषम संख्या है, तो यहां पर एवरेज बराबर क्या हो जाएगा टोटल बट्टे नंबर्स, टोटल कितना आया है 2500 और नंबर कितना आए हैं 50, 0 से 0, 5 से 5 और ये 0। क्या यही आंसर है? बिल्कुल यही आंसर है, 50 इज योर राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको यहां पर बताता हूं एक और बात, जैसे कि मैंने पीछे क्वेश्चन में बताई थी ट्रिक, उसी प्रकार से यहां पर भी आप लिख सकते हैं, और वह ट्रिक यह है कि एन विषम संख्याओं का योग, एन विषम संख्याओं का पहले हम लिखेंगे योग कितना होता है एन स्क्वायर, और एन विषम संख्याओं का अगर आप लोगों से पूछा जाए कि औसत क्या होता है, तो औसत होता है एन ही, जो हमारा एन है वही हमारा औसत है। ठीक है, एन ही औसत कैसे हो गया, तो देखिए कि आपके पास में पहले भी क्या आंसर आया 50, और एन भी तो क्या है 50, तो आंसर क्या हुआ 50। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि सब संख्याओं का औसत होता है एन प्लस वन, यानी जितने नंबर्स है उसमें एक जोड़ने पर हमें सब संख्याओं का औसत मिलता है। विषम संख्याओं में हम कह सकते हैं कि जितने नंबर्स होते हैं उतने ही वही जो है उसका क्या होता है औसत होता है। ये दो ट्रिकें थी, आप लोगों को समझ में आई होगी, फुल मेथड और ट्रिक दोनों बता दिए हैं मैंने। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने कि 5 लगातार सब संख्याओं का औसत कितना है 40, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 5 लगातार क्या है दोस्तों सब संख्या है, सब संख्याएं हैं 5 लगातार, तो हम क्या लेंगे दोस्तों x+1, x+3, x+5, x+7, इस प्रकार से x+9, ये 7 संख्या ले सकते हैं, चाहे फिर हम एन बोले n+1, n+2, n+3, इस प्रकार से ले उन सबको जोड़ेंगे आप, और उसमें क्या करेंगे 5 का भाग देंगे, तो आपके सामने जो है आंसर क्या निकल कर आएगा आपके कि 40। आपको बताता हूं मैं कैसे, देखिए ये देखिए हम लिख रहे हैं चौथा क्वेश्चन, और 5 लगातार सब संख्या क्या है, सब संख्या ए, ठीक है संख्या, और उनका औसत जो है दोस्तों कितना है 40, यह हमें ऑलरेडी बता दिया गया है, और कितनी संख्या है 5। हम यहां पर बेसिक से करें तो क्या कर सकते हैं x+1 x+3 x+5 x+7 x+9। अब यहां पर अगर हम x बराबर 1 लेते हैं तो देखिए 1, 4, 6, 8, 10 आ गई। अब इन सभी संख्याओं का योग करेंगे तो 1, 2, 3, 4 और ये 5, तो कितना हो जाएगा योग 5x+1, 3, 4, 4 और 5, 9, 9 और 7, 16, 16 और 9, 25, कितनी, ये तो योग आ गया है, कितनी संख्या है 5, भाग देंगे कितना आएगा x+5। ठीक है, ये तो हुआ हमारा बेसिक मेथड से। दूसरी बात मैं यहां बताना चाहूंगा दोस्तों, जब भी आपको नंबर्स जो है वो सब विषम संख्या में मिले, देखिए विषम है 1, 2, 3, 4, 5, तो जब भी विषम संख्या होती है तो जो एग्जैक्ट मीड में आता है नंबर वही उसका औसत होता है, तो यही औसत है क्या x+5 औसत है, और वैसे भी हमने निकाल लिया कि x+5 औसत आना चाहिए। और अगर ये तो था विषम संख्याओं के लिए कि मीड का लेंगे, अगर सब संख्याएं हो
सम संख्याएं हो, जैसे कि यहां पर आ जाता एक और 6 बोल देता लगातार, तो x प्लस 11 और लेते, तब क्या करते हैं जो बीच की दो संख्याएं होती है उनका औसत निकालते हैं, वो आगे जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वहां निकालूंगा। यहां पर हमारे अकॉर्डिंग औसत क्या आया है, एक्स प्लस 5, लेकिन क्वेश्चन में औसत दे कितना रखा है दोस्तों, 40। तो एक्स बराबर कितना आया, 35 आया या नहीं। तो अब हमें पूछा गया है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी दोस्तों, आप लोग खुद कॉमन सेंस लगाइए कि जिसमें सबसे बड़ी संख्या जुड़ रही होगी तो 9 जुड़ रही है, तो फिर x प्लस 9 यानी कि 44 इज योर राइट आंसर। यू कैन अंडरस्टैंड, ओके। मेरे हिसाब से आप लोगों को पूरा पूरा समझ आ चुका होगा, 5 लगातार सम संख्याओं का औसत निकालना था। हमने क्या करा दोस्तों कि औसत संख्याओं का जो औसत दे रखा था 40, फिर हमने क्या करा, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 7, एक्स प्लस 9, 5 संख्याएं मानी, उन सबको जोड़ा, उसमें 5 का भाग दिया, बराबर में आया एक्स प्लस 5, और यह भी हमारे अकॉर्डिंग औसत है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग औसत कितना है, 40। तो दोनों औसत बराबर रखे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू 35 आई, और उसे पुट कर दिया हाइएस्ट नंबर निकालने के लिए हमने एक्स प्लस 9 में, तो हमारे पास आंसर आ गया 44। और हमने मैंने डायरेक्ट ट्रिक बता दी कि जब भी ऑड नंबर्स है तो जो एग्जैक्ट मीड में संख्या आएगी वही औसत होती है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट ले लेते हैं कि एक्स प्लस 5 संख्या है, मैं इतने जोड़ने और भाग देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, एक्स प्लस 5 बराबर 40 कर लेते हैं, तब भी आंसर हमारा आ जाता। मेरे हिसाब से आप लोगों को पूरा पूरा क्वेश्चन पांच चारों के चारों समझ आए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और पांचवें क्वेश्चन की और पांचवा क्वेश्चन कहता है देखिए कि दो संख्याओं का औसत कितना है एम, और दो में से एक संख्या है एन, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो भाई साहब आप बताइए क्या होता है, टोटल बटे नंबर्स, टोटल कितनी होगी, एक संख्या को मान लो एक्स और दूसरी संख्या इसने बोला एन, दोनों को जोड़ दिया, और इसने बोला है कितनी संख्या है, दो, दो का भाग दे दिया, और यहां से ये भी तो क्या निकल रहा है, औसत, और बराबर में भी क्या आ रहा है, औसत, क्योंकि इसने बोला है एम, दोनों को बराबर कर दिया। यहां से हमें एक्स की वैल्यू तो निकालनी है क्योंकि इसने बोला है दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए आप 2m, और ये n यहाँ आ जाएगा माइनस में, तो माइनस का n, तो आंसर भी क्या आ गया, 2m माइनस का n, यही हमारा राइट आंसर है, तो ए इज योर राइट आंसर। इसमें तो मेरे हिसाब से कोई था ही नहीं इतना बड़ा इशू कि आपको समझ ही नहीं आया, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, समझ में आ चुका होगा, नॉर्मल फॉर्मूले से सॉल्व करने वाला था, ठीक है, समझ में आ चुका है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमें कि 12 संख्याओं का औसत कितना है, 18, यदि प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। अब भाई साहब देखिए कहना ये चाहता है कि 12 संख्या है कोई, भाई साहब हम मान लेते हैं एक्स है, दूसरी है एक्स टू, तीसरी है एक्स थ्री, ऐसे करते करते हम मान लेते हैं एक्स 12 है, उसमें हम 12 का भाग देंगे, फिर हम उसको बराबर रखेंगे 18 के, फिर इन 12 संख्याओं का योग जो आएगा उसके बराबर में आ जाएगा 12 इंटू 18, ये मैं भी बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है, 12 इंटू 18, ये जो आप लोग करेंगे कि टोटल योग करेंगे, उसमें 12 का भाग देंगे, बराबर में औसत रखा है, 12 का गुणा करेंगे 18 आएगा, अब 12 से ये एक तो आ जाएगा 144, और एक आ जाएगा 12 छिक 72, कितना हो जाएगा, 6, 11 का एक हासिल लगी एक, 216, आप योग निकालेंगे 216 आ चुका है। फिर आप सोचेंगे कि प्रत्येक में 3 जोड़ा है, प्रत्येक में 3 जोड़ा है, तो अब 3 में 3 को जोड़ रहे हैं कितनी बार, 12 बार, तो 12 दिया 36, आप इसमें डायरेक्ट जोड़ देंगे 36, और 36 में फिर वापस से आप 12 गिन देंगे 12 का, तो आपके सामने जो नई संख्या ऊपर जुड़ के आएगी वो कितनी आएगी, 2, हासिल लगी एक, ये 5, ये 2, और आप दे देंगे 12 का भाग, आपके सामने आ जाएगा 12 दूनी 24, 12 एकम 12, नया औसत आया 21। आप लोगों ने ये करा, ये कैसा था, बेसिक से, लेकिन मैं यहां ट्रिक बताने जा रहा हूं, और वह ट्रिक ये कहती है कि जब आप दोस्तों प्रत्येक संख्या में, अब मैं लिखवा देता हूं, प्रत्येक संख्या में एक्स को जोड़ते हैं तो औसत में भी जोड़ दे, औसत में भी एक्स जोड़ने पर नया
औसत प्राप्त होता है। मेरे कहने का तात्पर्य क्या है कि 12 संख्याओं का औसत 18 है। आपने 12 संख्या में प्रत्येक में 3 3 जोड़ के 12 3 36 आया, फिर आपने भाग दिया और इतना बड़ा करा। आप डायरेक्ट क्या करिए, जो पहले का औसत है 18, उसमें आप x जोड़ने का तात्पर्य क्या है, प्रत्येक में आप 3 जोड़ रहे हैं, तो यहां पर डायरेक्ट 3 जोड़ दीजिए, आपके सामने 21 डायरेक्ट आंसर आएगा। यह क्या है, हमारी ट्रिक है। क्या है? ट्रिक। और ये ट्रिक आप लोगों को दोस्तों किसी नॉर्मली टीचर्स जो आपको लोगों को नहीं बताएंगे, क्योंकि वो खुद फास्ट करना चाहते हैं। लोगों को वो ये समझते हैं कि हम बस बेसिक मेथड समझा दिया वो कर लेंगे, या फिर आपको डायरेक्ट ट्रिक बताएंगे बेसिक नहीं समझाएंगे। लेकिन मैं आपको दोनों ही समझा रहा हूँ, बेसिक प्लस ट्रिक, क्योंकि बेसिक समझ में आएगा तो ट्रिक ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ फर्क कितना पड़ रहा है। देखिए आप ऑटोमेटिकली, मैं आपको वापस दे, देखिए ये ट्रिक जो क्रिएट हुई है, ये कैसे क्रिएट हुई है कि 216 में आप 12 का भाग अलग दीजिए और 36 में 12 का भाग अलग दीजिए, इसे हम ये लिख सकते थे। यहां से ये कितना आएगा, वापस से 18 ही आएगा, और 18 प्लस कितना आ रहा है, 3। तो हमें पता चल गया ना कि प्रत्येक में 3 ही जोड़ना है, तभी तो ये हमने डायरेक्ट, अब हम यहाँ पे डायरेक्ट स्टेप ये लगा रहे हैं, हमने ऊपर वाला भाग गायब कर दिया। बेसिक था, उसी से जो है ट्रिक निकली है। इसलिए आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले बेसिक को समझते हुए जरूर चलें, ताकि आप लोगों को जो है क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमें कि 7 संख्याओं का औसत है 12, 7 संख्याओं का औसत है 12, यदि प्रथम 4 संख्याओं का औसत हो 10 और अंतिम 4 संख्याओं का औसत हो 15, तो चौथी संख्या क्या है। हम इसे पहले बेसिक से करेंगे। हम मान लेते हैं कि 7 संख्याएं जो है वो क्या है, X1, X2, X3, X4, X5, X6 और X7। 7ों को मान लिया अलग अलग, उसमें हम 7 का भाग देंगे और ये बराबर किसके होगा, 12 के। इसका मतलब इन 7ों संख्याओं का योग जो, मैं देखिए मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूं, अब योग, ठीक है, और इन 7ों संख्याओं का योग जो है, मैं इसी को योग कह रहा हूं, ठीक है, इन सबको जोड़ने पर जो आएगा, तो 12 7 84, तो योग हमारे पास में टोटल संख्याओं का कितना आया है, 84। अब इसने कहा है प्रथम 4 संख्याओं का, यानी कि दोस्तों X1, X2, X3 और X4, इनका औसत कितना है दोस्तों, 10। तो इन प्रथम 4 संख्याओं का जो योग होगा, क्या योग, वो कितना हो जाएगा, 10 × 4 कितना आएगा, 40। इसी प्रकार से अंतिम 4 संख्याओं का, यानी कि दोस्तों आप क्या ले लेंगे, X4, X5, X6, X7, अपन में कर देंगे 4, बराबर में कितना आएगा, 15। तो ये क्या आया है, यहां से क्या निकलेगा, योग, और ये योग कितना आएगा, 15 × 60 आया या नहीं, तो 15 × 60 आ चुका है। अब देखिए प्रथम 4 संख्याओं का योग कितना था, 40, तो हमने क्या करा, यहां पर रख देते हैं अगर हम 40, तो क्या आ जाएगा, 40 प्लस जो X5 है, X6 है और X7 है, उसके बराबर में कितना आ जाएगा, 84, और इन तीनों की वैल्यू जो है हमारे सामने निकल कर कितनी आ जाएगी, 44। और इन तीनों की वैल्यू को जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे सामने क्या आएगा, X4 प्लस 44 बराबर में 60, तो X4 की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 16, और यही हमारा आंसर है। चौथी संख्या जो है वो क्या हो जाएगी, 16। लेकिन क्या हमें इतना बड़ा करना है, एग्जाम में इतना बड़ा करना है, बिल्कुल नहीं, एग्जाम में हमें इतना बड़ा नहीं करना, इसीलिए तो ट्रिक बताई जा रही है। तो इस ट्रिक को आप फॉलो करिए, तभी आप लोगों का भला हो सकता है। लेकिन मैं उससे पहले चाहूंगा कि आप लोग जो है दोस्तों इसे एक बार नोट कर लीजिए, ताकि आप लोगों को आसानी रहे, ठीक है। उसके बाद मैं ट्रिक बताता हूं कि कैसे करता है। चलिए दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर, अब इसे कैसे ट्रिक से किया जाए, तो मैं लिखता हूं यहां पर ट्रिक, और ये ट्रिक बहुत ही बेसिक है दोस्तों, बहुत ही बेसिक से समझाते हुए चलूंगा। आपको कुछ नहीं करना है, प्रथम जितनी संख्याओं का योग दे रखा हो, कितनी संख्याओं का योग है, 4 का, यहाँ पे मेरे हिसाब से ये दिखेगा नहीं, तो प्रथम संख्याओं का कितनी संख्याओं का योग है, 4 का,
और इनका औसत कितना है 10, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 इंटू क्या करेंगे आप 10 प्लस अंतिम चार संख्याओं का योग है वह कितना आ जाएगा 15 से औसत करने पर, 15 से गुणा करने पर 60, आप ये कर दीजिए। ठीक है कर लिया। अब माइनस टोटल कितनी संख्या है 7, उनका औसत कितना है 12। अब बस यह जो इनका डिफरेंस है यही हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे, ये आया 40, ये आया 60 और ये 12 सतह 84, ये कितना है 100 माइनस 84 कितना आंसर 16 आंसर। समझ में आया? तो आप लोगों को क्या करना है कि जितनी भी संख्या बोला है उसमें प्रथम संख्याओं का जो प्रथम संख्या है कितनी है उनका मल्टीप्लाई करिए उनके औसत से और अंतिम संख्याओं का मल्टीप्लाई करिए उनके अंतिम संख्याओं के औसत से और दोनों को जोड़ दीजिए और उसे माइनस कर दीजिए जो पहले जो टोटल संख्या है कितनी थी 7 और औसत कितना था 12, तो आपका आंसर आ जाएगा एक ही लाइन में। इसको इतना बड़ा नहीं करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि कैसे करना था क्या करना था। आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, मैं अभी अपने आप को गायब कर देता हूँ, कर दिया मैंने गायब, आप ले लीजिए। अगर आप लोग ये PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको मिल जाएगी जब भी मिले, आज कल जब भी। ठीक है थोड़ा सा हो सकता है लेट हो जाए लेकिन मिल तो जाएगी। तो आप लोगों को ये समझ आ चुका होगा दोस्तों, मेरे हिसाब से पूरा ही मैंने बेसिक से समझाने की कोशिश करी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों कि तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी तथा तीसरी संख्या दूसरी की आधी, यदि तीन संख्याओं का औसत 24 हो तो पहली संख्या क्या होगी, आपको खुद को इसका आंसर देना है। तो यह आपका क्या है दोस्तों, होमवर्क, क्या है होमवर्क, और ये आपको टुमोरो यानी कि कल की क्लास में मुझे इसका आंसर चाहिए, कल की क्लास में। ठीक है चलिए मैं इसे मिटा भी देता हूँ। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब करवा देना ताकि हमें आप लोगों से मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए सभी रीट की क्लासे ST वो जो SST वाले हैं उनके लिए, हिंदी वालों के लिए, इंग्लिश वालों के लिए, जो भी माध्यम है आपका उन सभी के लिए। थैंक यू थैंक यू।